वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ 357 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड गेस पेपर। ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं, जिसकी वजह से इनके आने के चांसेस 100% होते हैं। अगर आप लोग इनकी प्रिपरेशन अच्छे से कर लोगे तो एग्ज़ाम में 80% मार्क्स ईजीली हासिल कर सकते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और इसके साथ साथ आप लोगों को बताती चलूँ, इन क्वेश्चन के साथ साथ आप लोग अपनी रीसेंट जो अभी आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट करवाई है रिसेंटली, वो उनके 10 क्वेश्चन होते हैं, उनको भी एक नज़र देख लीजिएगा। और इसके अलावा आपके 5 ईयर के पास्ट पेपर जौन से हैं, उनको भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। यही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनमें से आपका एग्ज़ाम आता है। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मदरजा ज़ैल पर नोट लिखें। यहाँ पर एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखकर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, जिनमें फर्स्ट नंबर पर खनाक और टीबी, नेक्स्ट है पानी से फैलने वाले इन्फेक्शन, नेक्स्ट है आयोडीन की कमी के असरात व हफाजती इकदामात, नेक्स्ट है हाई ब्लड प्रेशर या बुलंद फुशारे खून के असबाब हफाजती इकदामात, नेक्स्ट है थायमिन के बारे में लिखें, नेक्स्ट है स्कूल जाने वाले बच्चों और नौजवान की गजाई ज़रूरियात, एंड नेक्स्ट है प्लाग्रा के असरात व हफाजती इकदामात, नेक्स्ट है फास्फेट की कमी के असरात, एंड नेक्स्ट है लहमियात की कमी और ज़्यादती, नेक्स्ट है हयातीन अलिफ की कमी और गैर ज़रूरी इजाफे के असरात, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है गलर की बीमारी किस मादनी नमक की कमी से होती है, नेज़ इसकी वजूहात इकसाम जिस्म पर असरात और इससे बचाव के बारे में बयान करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हामला और दूध पिलाने वाली माओं की गजाई ज़रूरियत पर मबनी मेन्यू लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जिस्म में पानी की कमी और ज़्यादती से क्या असरात होते हैं और जिस्म पर क्या अलामात ज़ाहर होती हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है नामनासब गजाइत से क्या मराद है, पाकिस्तान में तवानाई और लहमियाती नामनासब गजाइत की वजूहात और इकसाम बयान करें, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है खुराक की कमी को ख़राब करने वाले जरासीम की इकसाम तहरीर करें, नेज़ इन जरासीमों की परवरिश में मदद देने वाले अवामल कौन से हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कुंबे के अफराद की सेहत को बरकरार रखने के लिए बोर्ची खाने की सफाई की अहमियत पर तफसीलन तहरीर करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है पाकिस्तान में बच्चों में सहाल की क्या वजूहात हैं और इसके अवामल और बचाव की तदाबीर तहरीर करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है ज़ियाबिस्त किसे कहते हैं, नेज़ ज़ियाबिस्त से मुंसलिक मसाइल और कंट्रोल पर बहस करें, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है गजाइत की तरीफ और इकसाम लिखें, नेज़ बच्चों की नशुनुमा पर परखने के तरीके बयान करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों नौजवानों और ज़ईफ़ अफराद की गजाई ज़रूरियत में फ़र्क बयान करें, नेज़ इनके लिए एक दिन का मेन्यू भी तश्कील दें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है चकनाई में हल पजीर हयातीन की कमी के असरात और इनसे बचाव के तरीके बयान करें, एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 है खुराक से फैलने वाली बीमारियां और इनसे बचाव की तदबीर लिखें, नेज़ फूड इन्फेक्शंस और फूड पॉइजिंग में फ़र्क बयान करें। जी स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के साथ 357 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड गेस पेपर शेयर किए हैं। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कर दिया करें, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और लास्ट में यही कहूँगी, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी और कामरानी से हमकनार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।